मैं रामचंद्र चौहान फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने सिर्फ आपको एक बेसिक एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग बताए होंगे। आज हम आपको थोड़ा सा एडवांस स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे हमारे बॉडी को वार्म अप अच्छे से मिल सके, वार्म हो सके, ताकि कहीं हमारे बॉडी में कहीं इंजुरी ना हो कोई एक्टिविटी करते समय। ओके, सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे सिंपल स्थिति में, डाउन, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और धीरे धीरे अपने सांस को लेते हुए ऊपर उठेंगे। होल्ड करेंगे, अपने पूरे पंजे पे खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को छोड़ते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे उतरना है। और फिर से एक बार करेंगे एक्सरसाइज, अप, स्लोली सांस छोड़ते हुए नीचे उतरेंगे हाथ। ओके, चेंज, राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, चेंज, स्लोली अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, चेंज, राइट साइड, शोल्डर को देखना, शोल्डर की तरफ देखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। जब भी हम नेक का एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज फास्ट नहीं करेंगे, हम स्लो, जितना मूवमेंट स्लो करेंगे वो स्लो करते हुए अपने स्ट्रेच को पूरा फील करना है कि हमारा नेक, हमारा बैक पेन कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, उस स्ट्रेचिंग को फील करना है। और अब हम शोल्डर पे आएंगे, हाथ लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड को नीचे दबा उठाते हुए धीरे धीरे अपने शोल्डर का स्ट्रेच करेंगे। पूरा ये शोल्डर हमारा स्ट्रेच होगा, अगर हमारे शोल्डर में पेन होता रहे तो ये स्ट्रेचिंग करने से हमारा पेन रिकवर हो जाता है। डाउन, राइट हैंड उठाएंगे, धीरे से स्ट्रेच करेंगे, चेंज। इसी को अब बैक एक्सरसाइज करेंगे, चेंज, डाउन। अभी हमने जो स्ट्रेचिंग किया, हम पूरे अपने शोल्डर के स्ट्रेचिंग किए। ओके, अब अपने पैरों में थोड़ा डिस्टेंस ले लेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट साइड धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकना है। अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट हैंड, राइट साइड धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए झुकना है। अब इसी स्ट्रेचिंग को फिर एक बार और दोहराएंगे, राइट हैंड उठाते हुए लेफ्ट साइड को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। अब लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट साइड जाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे अपने पूरे टो से पूरा हील तक, अपने पूरा स्ट्रेच को महसूस करना है जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं। अप, चेंज, टो टच, डाउन, एंकल पकड़ना है, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है और गो बैक, पीछे जाना है धीरे सांस छोड़ते हुए, और डाउन, अप, सांस को लेंगे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, चेंज। हम अब थाइस का स्ट्रेचिंग करेंगे, लेफ्ट लेग उठाएंगे, राइट लेग उठाएंगे ऊपर और धीरे से उठाकर अपने चेस्ट पे लगाएंगे, जिससे हमारे मसल्स को, लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग और अच्छे से स्ट्रेच हो। लेफ्ट लेग, चेंज, इसी एक्सरसाइज को बैक करेंगे, हमें पूरे थाइस की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आज। दोनों हाथों को करके पूरा स्ट्रेच करना है, ताकि हमारे, हमने अभी तक पूरे थाइस का स्ट्रेचिंग किया, अब हमारे हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करेंगे धीरे से। डाउन, अब हम पूरे हैमस्ट्रिंग और काप्स के स्ट्रेचिंग करेंगे, एंकल पकड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे झुकते हुए जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, और हमारे पूरे काप से लेकर हैमस्ट्रिंग तक का स्ट्रेच का महसूस करना है। अप, लेग चेंज, रिलैक्स, चेंज, इसे से क्रॉस करेंगे धीरे से, डाउन, और धीरे धीरे सर्कल लेफ्ट टू राइट करते हुए अपने सांस को छोड़ना है और धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट करना है, टू टाइम्स, टू लेफ्ट, टू राइट,
उठ जाएंगे, फिर से लेग चेंज करेंगे, रिलैक्स। ओके थैंक यू दोस्तों अपने हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लेके हम कुछ और हाजिर होंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच।